अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कार आ रही है, कार को रोकती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ये कभी इन्हीं के आदमी हुए तो? जस्सी ने मुझे बोला था यहाँ तो आसपास कोई गाड़ी नहीं है, उसी के आदमी होंगे मुझे पकड़ने के लिए आए। नहीं, क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहां से? मैं इसके अंदर चाबी होगी तो मैं से जा सकती हूँ। अरे ये तो लॉक्ड है, क्या करूं? इसकी तो चाबी नहीं है तो लॉक है, गाड़ी की चाबी नहीं तो गाड़ी कैसे खुलती है? मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या करूं? सोच पूरी सोच टाइम नहीं है, क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, वो लोग आ जाएंगे, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। अरे कौन है आप लोग, कौन चाहिए? जस्सी कहाँ है? जस्सी? जस्सी से क्यों मिलना है? जाओ आप लोग अभी, बाद में आना। नहीं, जस्सी से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहाँ है वो, बुलाइए उसे बाहर। जस्सी, जस्सी कहाँ है? बाहर आ। अरे जस्सी, अजीब लोग हैं आप, इस तरह से घर में घुसेंगे? और ये सब क्या है, ये मीडिया, ये कैमरा? चलो निकलो, कहाँ ना जैसी नहीं है। देखिए, आप मेरी माँ की उम्र की है और मैं औरतों की इज्जत भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बात एक औरत की इज्जत की और उसकी जिंदगी की है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पूरी को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हटिए हटिए आप। ए, बोला ना, चलो। और मैंने कहा ना कि पूर्वी को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कौन पूर्वी? हाँ, कितनी बार बोला कि कोई पूर्वी यहाँ पर नहीं है, और ऐसे तुम जबरदस्ती हमारे घर में घुसोगे? हाँ, गुंडागर्दी करोगे तुम? जानते हो किसका घर है ये? अगर नहीं जानते हैं तो जाओ, जाके पहले पता करके आओ। देखिए, मैं जानता हूँ किसका घर है और कितने शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पे, सब पता है मुझे, लेकिन अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी पत्नी से मतलब है। और गुंडागर्दी आपके जस्सी ने की है, वो आया जबरदस्ती मेरे घर और किडनैप करके ले गया पूर्वी को। इस मतलब क्या आया था वो? उसने की है गुंडागर्दी, उसने की है जबरदस्ती, तो अभी उसको बाहर बुलाइए। कहाँ है जस्सी? चिल्ला क्यों रहे हो? कहा ना पूर्वी यहाँ पर नहीं है, समझ में नहीं आता? अरे कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पुलिस, ये मीडिया, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम मिस्टर आरवी का साथ देने आए हैं। आरवी? कौन आरवी? मैं हूँ आरवी। जस्सी कहाँ है और कहाँ रखा है उसने पूर्वी को? क्या बकवास कर रहे हो ये? एसीपी साहब, ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? और कौन है ये पूर्वी? इनकी पत्नी आरवी मल्होत्रा की। इन्हें शक है कि जस्सी ने पूर्वी का किडनैप किया है। दिमाग खराब है तुम्हारा? जस्सी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? मेरे भतीजे के बारे में? अब अगर किसी ने भी उसके खिलाफ एक भी शब्द कहा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं पूर्वी को यहाँ से लेने आया हूँ, आपके भतीजे से कोई मतलब नहीं है मुझे। आप बताइए कि पूर्वी कहाँ है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा ना, ये जो तुम नाम ले रहे हो पूर्वी, इस नाम की कोई लड़की नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ है, आपको तो पता होना चाहिए ना। क्या मतलब? आंटी, जस्सी आपका भतीजा ना, तो आपको तो पता होगा ना वो कहाँ है, उसने क्या किया। मैंने कहा ना, जस्सी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ इतना बताइए कि जस्सी कहाँ है, अगर अंदर है तो बुलाइए उसको। जस्सी कहाँ छुपा है? बाहर आ। ए, इल्लाओ मत। मैंने एक बार कहा ना कि पूर्वी नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं है। अरे मैं इसे कब से कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई पूर्वी नहीं है, पर ये है कि समझने को तैयार तो नहीं, यहाँ नहीं है तो कहाँ है पूर्वी? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ है? और ये आप सब लोग जो कह रहे हैं किडनैप विडनैप, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं आप, आपका भतीजा है, आपको नहीं पता होगा, सब पता है आपको।
कि वो क्या करता है, क्यों करता है, कहां जाता है, सब जानते हैं आप। और इस बार भी उसने क्या किया है आपको पता है। कैसे वो पूर्वी को यहां जबरदस्ती लेकर आया है हमें नहीं पता, और मैं ये मान भी नहीं सकता कि मेरा जस्सी ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसे लड़की को उठाना, ऐसी चीजें हमारे घर में नहीं होती। ये शरीफों का घर है। ऐसी गंदी सोच, ऐसे गंदे संस्कार हमारे नहीं है कि किसी की बहू बेटियों को हम उठाए। समझे तुम? तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो मेरे जस्सी पर। आपका जस्सी कैसा है आप लोगों को खबर ही नहीं है, और आप कह रही हो ना कि आपके घर में ऐसा नहीं होता है। ये आपके घर में हुआ है। जस्सी ने किडनैप किया है पूर्वी को, आपके जस्सी ने पूर्वी को। चिल्ला मत, चिल्ला मैं भी सकता हूँ। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है मुझे, MLA है आप यहाँ के। तो ये भी जानते होगे कि हम लोग समाज के लिए बहुत भले काम करते हैं, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में ये सब बकवास करने की, और वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाने की। ऐसा केस लगाऊंगा ना मानहानि का, हमारे घर में जबरदस्ती घुसने का, हम लोगों को परेशान करने का, इन सब केस में अंदर डलवाऊंगा और जिंदगी भर एड़ियां रगड़ जाएगी, लेकिन अदालत से तुम्हें बेल नहीं मिलेगी। तो चलिए ना अदालत, देखते हैं किसको जेल होती है और किसकी एड़ियां रगड़ती है बेल के लिए। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सही हूं। गलत किया है आपके जस्सी ने, उसने किडनैप किया है पूर्वी को, एक शादीशुदा औरत को वो उसकी मर्जी के खिलाफ लेकर गया है, जो क्राइम है, और उसकी सजा उसको मिलेगी, और वो सजा मैं दिलवाऊंगा उसको। जितना उसने पूरी को परेशान किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, लेकिन सजा दिलवाने से पहले मुझे मेरी पूर्वी चाहिए, और मैं मेरी पत्नी की कसम खा के कहता हूं कि अगर पूरी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं। हमारी हिम्मत कैसे हुई? आप लोग शांत हो जाइए। देखिए हम लोग यहां तहकीकात करने आए, और हमें हमारा काम करने दीजिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो हमारा साथ दीजिए, हम लोग अंदर जाकर देख लेते हैं पूर्वी है या नहीं। किसी ऐसे वैसे आदमी का घर आए हो क्या? सर्च वारंट है तुम्हारे पास? अगर है तो ही घर के अंदर कदम रखना, वरना घूमो और निकलो यहां से। एक भी शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। वारंट तो फिलहाल नहीं है हमारे पास। तो जो कहा है वो करो, घूमो और निकलो, वरना मैं अपने आदमी बुलवा लूंगा। हाँ मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जस्सी ने पूरी को किडनैप किया है, तो मैं उसको पाताल से भी निकाल के लाऊंगा, और देखता हूं कौन रोकता है मुझे यहां पर। मैं पूरी को ढूंढ के रहूंगा। पूरी आर्मी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।